गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका हमारे चैनल अंजलि कुकिंग में। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा परवल। भरवा परवल जो होता है वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आप मेरे इस तरीके से इस परवल को बनाएंगे तो आपकी फैमिली में सभी लोग इसे बेहद पसंद करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे बनाना है। तो यहाँ पे तीखा चटपटा सा हमारा कलौजी बनके तैयार है परवल का। इसे हम दाल चावल के साथ अगर सर्व करेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखिए, एकदम सॉफ्ट से ये गल चुका है और मसाले भी बहुत अच्छे पक चुके हैं। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं इसे तोड़ के, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आइए चलते हैं इस परवल को बनाने, और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये छोटी सी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, बनाते हैं इस रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो परवल हमने लिया है वो 500 यानी कि 500 ग्राम या आधा केजी के करीब है, और ये परवल बहुत ही फ्रेश ताजा एकदम कड़क है। तो ताजे परवल से ये कलौजी या भरवा परवल बनता है, तो एकदम ग्रीन दिख रहा है। और इसमें मतलब अभी हम रात में ही लाए थे मार्केट से, ये चक्कू से मैंने राइट साइड से परवल को हम छील लेंगे। हमें बहुत दबा के इसे नहीं छीलना है, तो इसका डार्कनेस से वो निकल जाए। इस तरह से हल्का हल्का छील देने से हमारा जो भरवा बनता है परवल का वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और खाने में भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। इस तरह से हम सारे परवल का छिलका साफ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सभी परवल का छिलका हल्का हल्का छील लिया है। अब इसको हम दोनों साइड से थोड़े थोड़े भाग को कट करेंगे इस तरह से। सभी परवल को कट करके और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से धुल लिया है। अब इसे हम रख देंगे साइड में, थोड़ा इसका पानी सूख जाए। आइए इसका मसाला तैयार करते हैं। मैंने यहाँ एक मिक्सी का बाउल लिया है जिसमें हम डालेंगे कुछ हरा मिर्चा और छिला हुआ लहसुन, दो अदरक का टुकड़ा, दो बड़े साइज का मैंने प्याज कट किया है, इसका हम दरदरा सा मिक्सी में पेस्ट कर लेंगे। बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, बहुत दरदरा सा हम बना के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसको पीस लिया है। इसमें प्याज के टुकड़े भी हैं, ये दरदरा है, बहुत बारीक नहीं हुआ है। तो अब हम परवल को इस तरीके से कट करेंगे बीच से। और इसके अंदर का जो बीज है इसे हम धीरे धीरे चाकू से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से इस तरह से हम सारे परवल को कर लेते हैं।
मसालों को डालने के लिए परवल के अंदर काफी सारा स्पेस हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें 2 से 3 चम्मच जितना मसाला पड़ सकता है। हम परवल के सारे बीज को निकाल लेंगे इस तरह से, सारे बीज को हम इकट्ठा करके हल्का सा मिक्सी में पीस लेंगे। पीस के उन्हीं मसालों में हम इसे ऐड कर लेंगे। मैंने यह कढ़ाई रख दिया है, इसमें हम 5 से 6 चम्मच ऑयल डाल दिए हैं मसालों को भूनने के लिए। फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच के चौथाई हींग और हमने मसालों को पेस्ट करके रखा था उसे ऐड करेंगे। इसे हम भूनेंगे लो फ्लेम पे। तो मैंने यहाँ परवल के बीज को पीस लिया है, आप देख सकते हैं, इसको भी इसमें हम डाल देंगे और इसे भूनेंगे। इसे भूनने में काफी टाइम लगता है फ्रेंड्स, 20 से 25 मिनट लग सकता है। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला और इसमें हम थोड़ा डालेंगे अचार में से निकला हुआ तेल। मसालों को भूनने के लिए और एक चम्मच आम का अचार और 1 चम्मच उसका मसाला, और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है। अब सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला भून चुका है, आप देख सकते हैं पूरी तरह कढ़ाई में चिपक गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए 5 से 10 मिनट ऐसे फैला के रख देंगे। फ्रेंड्स, आइए हम मसालों को परवल में डाल लेते हैं। इस तरह से कर देना है ताकि ये आसानी से इसमें जा सके। इस तरह से दबा लेना है। दोनों साइड से आप हाथों से ऐसे दबाएंगे तो इसका मुंह ऐसे खुला हो जाएगा, जिसमें हम मसालों को अच्छे से डाल सकते हैं। दबाने के बाद जो एक्स्ट्रा मसाला बाहर आता है उसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारे परवल को मसालों
में मिला लेते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई रख दिया है, इसमें ऑयल भी डाल दिया है। मैंने अचार का तेल यूज किया है, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे परवल को, एक एक करके हम डालेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, इसे दो दो मिनट से हम पलटते रहेंगे। इसे पलट लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं परवल जो है अच्छे से पक चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अब इसे हम निकाल लेते हैं, दो से चार मिनट और पका के। आइए इसे सबके लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब जा रहे हैं गर्मा गर्म इसे सर्व करने। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और कैसा टेस्ट लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स अब हम सेकेंड बैच को जा रहे हैं फ्राई करने। थोड़ा टाइम लगेगा सभी को फ्राई करने में। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से एक छोटी सी वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं आप सभी से न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।